किसी भी मंगलवार के दिन बस पहन लेना, अपने गले में इस पौधे की जड़ जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति हनुमान जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपका भाग्य होगा। सातवें आसमान पर धन दौलत पीछे पीछे आएगा। जो भी व्यक्ति धारण करता है इस पौधे की जड़ मंगलवार के दिन, वह व्यक्ति बन जाता है, करोड़पति मिल जाएगा। स्वयं बजरंगबली महाराज का आशीर्वाद और साथ, दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना पूजा पाठ करें, बिना उपवास करें, मात्र मंगलवार के दिन इस पेड़ की जड़ गले में धारण कर लेने से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हनुमान जी को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में यह जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह जड़ नहीं, स्वयं हनुमान जी महाराज के चरण हैं। इनका विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद है। मैं प्राचीन जानकारी ऑनर कल मंगलवार के दिन खुद इस जड़ को लाकर धारण करने वाला हूं और मैं चाहूंगा कि आप भी इस जड़ को सही मुहूर्त पर वीडियो में बताएं, अनुसार लेकर आए और धारण करें ताकि सबको हनुमान जी के आशीर्वाद मिले। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में आप बहुत तनाव में रहते हैं, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया है, आपकी जीवन में आपको परेशानी, तनाव और दिक्कत में घेर करके रखा है, तो बस आज की इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लीजिए और सिर्फ किसी भी मंगलवार के दिन इस पौधे की जड़ अपने गले में धारण कर लीजिए। इसके बारे में वेद पुराणों में बताया गया है और यकीन मानिए, इतना उपाय करने भर से आपको बजरंग बली जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगे, बल्कि हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और मान के चलिए आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। कुल मिलाकर कहें तो आपके समस्त परेशानी का निवारण मात्र इस जड़ को धारण करने से हो जाएगा। दोस्तों, जिन पौधों की जड़ को धारण करने के लिए हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वह ऐसे पौधे हैं जिनमें हनुमान जी की दिव्य शक्तियों का वास माना गया है। सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है, उसी प्रकार से मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगलवार के दिन इन पौधों में जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाहन होता है वह बहुत तेज होता है और अगर आप मंगलवार के दिन इन पौधों की जड़ को सही मुहूर्त पर धारण कर लेंगे तो यकीन मानिए हनुमान जी का आपके आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्न में मिलावट होती है और रत्न को लेकर के बहुत से लोग बेवकूफ भी बन जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधों की जो जड़ होती है उसमें आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है। और जिन जड़ों को धारण करने के लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसके बारे में हमारे शास्त्रों में हजारों साल से लिखा हुआ है, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि हनुमान जी के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, हनुमान जी महाराज एक संकट मोचन देवता है। कहने का मतलब यह है, जो भी हनुमान जी महाराज का सच्चा भक्त होता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के ऊपर आने वाले हर संकट को हर लेते हैं। इसीलिए हनुमान जी महाराज को संकट मोचन देवता बोला जाता है। और अगर आप भी मंगलवार के दिन हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ जड़ों में से एक भी जड़ धारण कर लेंगे तो आपको साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में आपका बेड़ा पार होना 100% तय है। मैंने इस जड़ का लाभ खुद महसूस किया है, मुझे इसका अत्यंत लाभ मिला है और आपको भी इसके बारे में बताकर आपका भी भला करना चाहता हूं। दोस्तों, हमारा चैनल प्राचीन जानकारी देवी देवताओं के लिए समर्पित है, इसलिए हम कभी भी किसी के साथ छल कपट और धोखा नहीं करते। आप हम पर संपूर्ण विश्वास कर सकते हैं। चलिए वीडियो में अब जानते हैं कि जड़ को धारण कैसे करना है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन पेड़ों की जड़ों को आपको किसी भी मंगलवार के दिन लाना है, उसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है और घर के पूजा घर में रखने के बाद इसकी थोड़ी सी पूजा कर लेनी है। अगर आप हो सके तो चमेली के तेल का दीपक इन जड़ों के सामने जला देना है।
उसके बाद चाहे तो चांदी के ताबीज में या तांबे की ताबीज में आप इन जड़ों को धारण कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा और किसी भी मंगलवार के दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके आपको सिर्फ उन जड़ों को लेकर के आना है जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, और इन्हें धारण करने के बाद मान के चलिए आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा कि आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, आपके जीवन में आपको धन सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। मान लीजिए आपके जीवन में कोई दोष है, जैसे कि शनि दोष है, मंगल दोष है, आपको नवग्रह की पीड़ा है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आप इस चीज को लेकर के अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आप परेशान मत हो। अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन अनंत मूल की जड़ को लाकर के धारण कर लेंगे तो आपकी कैसी ही पीड़ा हो, चाहे वह शनि दोष की पीड़ा हो, मंगल की पीड़ा हो या नवग्रहों की पीड़ा हो, हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको बस अनंत मूल की जड़ लेकर आना है। किसी भी मंगलवार के दिन अच्छी तरीके से धोने के बाद लाल कपड़े में लपेट करके अपनी दाई भुजा में धारण कर लेना है। इतना उपाय अगर आपने किसी भी मंगलवार के दिन कर लिया तो यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद बजरंग बली जी की कृपा से न केवल आपके ऊपर में जो भी दोष होगा उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाएगा, बल्कि आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपको आपका सौभाग्य के साथ मिलेगा, आपके नवग्रह का साथ मिलेगा, आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। दोस्तों मान लीजिए आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आप अपना इलाज कराकर कर थक चुके हैं, तो बस किसी भी मंगलवार के दिन आप अतिबला नाम के पौधे की जड़ को किसी भी चांदी की ताबीज में या तांबे की ताबीज में रखकर धारण कर लीजिए। दोस्तों अतिबला का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसके बारे में शास्त्रों में बताया जाता है, इसमें कई दिव्य शक्तियों का वास होता है, और अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन अतिबला पौधे की जड़ को ताबीज में रख के धारण कर लेंगे तो दोस्तों अगर आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आप बीमार पड़े रहते हैं तो वह दोष अपने आप खत्म हो जाएगा। वेद पुराणों में साफ साफ बताया गया है कि अगर एक बीमार व्यक्ति मंगलवार के दिन अतिबला पौधे की जड़ को धारण कर ले तो उस बीमार व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य में सुधार दिखता है, वह बीमार व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ होने लगता है। अतिबला पौधे के बारे में वनस्पति शास्त्र में पूरे 11 अध्याय लिखे हुए हैं। दोस्तों अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियों से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो किसी भी मंगलवार के दिन चमेली के पौधे की जड़ को धारण कर लीजिए। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, चमेली के पौधे में भगवान हनुमान जी महाराज की दिव्य शक्तियों का वास होता है, इसीलिए आपने देखा भी होगा कि हनुमान जी की पूजा में चमेली के तेल का दीपक जलाया जाता है ताकि हनुमान जी की कृपा एक व्यक्ति को मिल सके। और अगर आप अपने जीवन में आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी में फंसे हुए हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, तो बस आप किसी भी मंगलवार के दिन चमेली के पौधे की जड़ का धारण चांदी के ताबीज में या तांबे की ताबीज में कर लीजिएगा। यकीन मानिए इतना करने भर से आपके जीवन की समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में अथाह धन की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, जिस व्यक्ति का भी मंगल ग्रह मजबूत होता है उस व्यक्ति के जीवन में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, वह व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मंगल ग्रह हमेशा आपका साथ दे तो किसी भी मंगलवार के दिन लटजीरा नाम के पौधे की जड़ का धारण अपने गले में कर लीजिएगा। इतना उपाय करने भर से आपको आपके भाग्य का साथ मिल सकता है, आपका भाग्य प्रबल हो सकता है। दोस्तों जब धरती पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी उसकी कुछ बूंदें लटजीरा नाम के पौधे पर भी गिरी थी, इसीलिए लटजीरा का जो पौधा होता है इसको एक दिव्य पौधा माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है इस पौधे में कई देवी देवताओं की शक्तियों का वास होता है, और आप किसी भी मंगलवार के दिन इस पौधे की जड़ का धारण कर लेंगे तो मान के चलिए आपका मंगल ग्रह भी आपका साथ देगा और आप जिस निर्णय को लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी अध्यात्म उन्नति करने के लिए इन जड़ों को मंगलवार के दिन अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा ये प्रदान करेगी, ये जड़ मित्र की भांति मदद करती है, आपको आपके जीवन में हनुमान जी का साथ दिलाएगा। ये थी छोटी सी जानकारी।
अगर आप हनुमान जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय हनुमान जी महाराज, जय श्री राम।